आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल का नाम तो आपने सुना ही होगा, साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक वायर लिया, क्या लिया, एक तार लिया, और इसमें से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, बिजली बहाई। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वायर गर्म हो गया, वायर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तार गर्म हो गया। इस इफेक्ट को कहा गया जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो जूल ने तीन लॉ दिए इस हीट के रिगार्डिंग। कितने लॉ दिए? तीन। फर्स्ट लॉ, इन्होंने ये कहा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट, यानी हीट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब क्या है कि करंट को जैसे मैं डबल करूं तो दो का स्क्वायर क्या होता है? चार। तो हीट जो है चार गुनी बढ़ जाएगी। करंट को अगर मैं ट्रिपल करूं तो तीन का स्क्वायर क्या होता है? नौ। तो हीट नौ गुनी बढ़ जाएगी। कुल मिला के फर्स्ट लॉ इन्होंने ये दिया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के। दूसरा लॉ इन्होंने ये दिया कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल है इस वायर के रेजिस्टेंस के। सपोज करो ये लो रेजिस्टेंस वायर है, कॉपर का बना है, सिल्वर का बना है, यानी इसका रेजिस्टेंस अगर कम है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, और अगर ये हाई रेजिस्टेंस वायर है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। कुल मिला के सेकेंड लॉ क्या है कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? और तीसरा बड़ा बेसिक सा लॉ कि हीट प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। इसके टाइम के, कम देर तक अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बहा रहे हो तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा देर तक अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। कुल मिला के हीट तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, करंट के स्क्वायर पर, दूसरा रेजिस्टेंस पर, और तीसरा टाइम पर। तो तीनों लॉ को अगर हम मिला देते हैं तो हीट का फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। किसी भी कंडक्टर से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर, आर यानी रेजिस्टेंस, टी यानी टाइम। अब इनके लॉ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तीन तो लॉ हो गए, अब तीन ही कैरेक्टरिस्टिक समझिए। पहला, जूल का जो इफेक्ट होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इनके लॉ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनके इफेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जूल का लॉ इरिवर्सिबल होता है, यानी चाहे आप इधर से इधर हीट प्रोड्यूस कर, करंट को फ्लो कर रहे हो तो भी हीट प्रोड्यूस होगी, और इधर से इधर आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी तो भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड नहीं करती करंट की डायरेक्शन पे। इधर से इधर करंट फ्लो करोगे हीट प्रोड्यूस हो रही है H, तो इधर से इधर करंट प्रोड्यूस फ्लो करोगे तो उतने ही टाइम में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? H। तो कुल मिला के पहली चीज ये हुई कि जूल का इफेक्ट इरिवर्सिबल होता है। दूसरा, ये AC अल्टरनेटिंग करंट एंड DC डायरेक्ट करंट दोनों में लागू होता है। चाहे इस तार से आप AC बहाओ, चाहे इस तार से आप DC बहाओ, ये तार गर्म होगा। चाहे इस तार से आप AC फ्लो करो, चाहे इस तार से आप DC फ्लो करो, तार गर्म होगा ही होगा। तीसरा, जूल का जो इफेक्ट होता है, तीसरा और आखिरी, वो पूरे वायर में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एंड्स गर्म हो गए, बीच का वायर ठंडा है, या बीच का वायर गर्म हो गया, एंड्स ठंडे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जूल का जो इफेक्ट होगा वो पूरे तार में देखने को मिलेगा।